press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जैसे कि सेवाट का नाम ही है ग्रीन, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि हमारे कलाकार के दिलों में पूरी हरियाली है और बहुत ही हम लोग प्रसन्न हैं और अपना परफॉर्म करने के लिए उत्साहित हैं और काफ़ी दिन से हम लोग रिहर्सल भी कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हम सब लोग ग्रीन ग्रीन हैं और एकदम हमारा दिल भी ग्रीन है जी। हाँ, अपकमिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अमरीश जी, कोरोना के टाइम पे आप सबसे ज़्यादा अगर मूवी बनाने वाले हैं तो किस तरह ये अवार्ड के बारे में बताना चाहेंगे कि कोरोना के टाइम पे किस तरह अवार्ड मिलने वाला है? जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने इस साल बहुत सारी फिल्में की हैं और कोरोना काल होते हुए भी हमारे प्रोड्यूसर, हमारे कलाकार, सहपाठी यूनिट और पूरी टीम बहुत सारी मेहनत की है और हमने बहुत सारी फिल्में की हैं, तो बिल्कुल उस फिल्मों के साथ साथ मेरी कई फिल्में रिलीज हुई है, लव मैरिज और नागधारी 2020 में तो नॉमिनेट है। बाकी ग्रीन सिनेमा के जो फाउंडर मेंबर और जूरी मेंबर है वो लोग डिसाइड करेंगे किसको क्या देना है जी। दो हज़ार इक्कीस की बहुत अच्छी तैयारी है, मेरी शूटिंग चल रही है गोरखपुर कुशीनगर में, लेकिन मैं इस अवार्ड के लिए रुका हूँ, कल सुबह गोरखपुर कुशीनगर जा रहा हूँ और इसके अलावा बहुत सारी फिल्में हैं बैक टू बैक फिर मैं कर रहा हूँ, 14 तारीख से थोड़ा दूर थोड़े पास, इसके बाद कर रहा हूँ रत्नाकर जी की वर्ल्ड वाइड की फिल्म जम्मू कश्मीर में जाने वाला हूँ, तो बहुत ही मैं खुश हूँ कि कई फिल्में लगातार है और सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ग्रो पे है और लोग बहुत मेहनत करके आज इस स्थान पे पहुँचे कि हम सारे कलाकार इस अवार्ड में इकट्ठा हैं और साथ साथ बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं। मैं दर्शकों के लिए यही कहना चाहूँगा कि हिम्मते मर्दा मरते खुदा, जो इंसान हिम्मत रखता है वो आगे बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है जी। थैंक यू, नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.